Hi guys, welcome back to our channel Hot and Sweet Rasoi. Friends, healthy recipe series की 5th recipe जो कि again काफी healthy recipe है और यहाँ पर मैंने sprouted चना और मूंग use किया है जो कि easily digestible होती है. ये recipe protein loaded है, इसको आप protein salad भी बोल सकते हो. शुरुआत मैं करूँगी पनीर को fry करने से, जिसके लिए मैंने 1/4 teaspoon cooking oil use किया है. बहुत less oil है ये. और यहाँ पर हाफ कप मैंने काट के रखा है पनीर को क्यूब्स में, छोटे छोटे क्यूब्स में. तो आप हाई फ्लेम पर पनीर को फ्राई करना, इससे क्या होगा आपका पनीर जो है बहुत जल्दी से उसमें कलर आ जाएगा और पनीर अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी. तो आप देख लो, एक मिनट में मैंने पनीर फ्राई करके निकाल लिया है. ये देखो, अच्छा सा कलर भी आ गया इसके अंदर. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर. तो यहाँ पर मैंने स्प्राउट करके रखा है चना, तो थोड़ा हम स्प्राउटेड चना ले लेंगे. आप अपने अंदाज से हर चीज़ की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो. ये स्प्राउटेड मूंग है, ग्रीन मूंग. थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब चॉप किया हुआ टमाटर, थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज, एक चमची है ये भी. एप्पल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, मिठास देता है ये पूरे सैलेड में, तो टेस्ट बहुत इन्हांस होता है. फ्राइड किया हुआ पनीर, वो भी हम ऐड कर देंगे इसमें. थोड़ी हरी मिर्ची, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो. थोड़ी सी धनिया की पत्ती फ्रेश वाली, और ये पीनट क्रंचीनेस लाने के लिए. थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे. ब्लैक पेपर, ये आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा. और थोड़ा सा चाट मसाला टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए. तो 1 टेबल स्पून मैं ऐड करूंगी इसमें किशमिश, ये भी आपके सैलेड में मिठास ऐड करेगी. इनको मिला लो एक बार अच्छे से. कुछ बूंद जरा सा नींबू का रस डालेंगे हम. तो आपका ये बन गया कंप्लीट प्रोटीन सैलेड. ये बिल्कुल रेडी है, आप इसको नाश्ते में, शाम के नाश्ते में, किसी वक्त भी खा सकते हो. काफ़ी हेल्दी है ये आपके लिए. फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी हेल्दी रेसिपीज़, टेस्टी रेसिपीज़ आपके लिए हॉट एंड स्वीट रसोई पर अपलोड करती रहूँगी. तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.